नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इंदस रिवर सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं, अब गंगा रिवर सिस्टम में हम लोग एंट्री मार रहे हैं। गंगा रिवर सिस्टम की बात की जाए तो बेसिन और कल्चरल सिग्निफिकेंस दोनों बहुत ज़्यादा है। बेसिन मतलब कहाँ पे गंगा का पानी अवेलेबल है, कहाँ कहाँ पे वो इरीगेशन में मदद कर रहा है, ये सब चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है ही। कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, तो आपको पता है कि गंगा को हिंदू धर्म के साथ एसोसिएट किया जाता है। बहुत सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं गंगा को लेके, तो ओवरऑल हिंदू धर्म में गंगा की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। कहाँ से राइज होती है गंगा, मैं पूरी थ्योरी पढ़ रहा हूँ फिर आपको फिगर समझाता हूँ। इट राइजेज इन द गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख, 3900 मीटर्स इन द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से गोमुख के पास से निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर में गंगा। जब निकलती है उसको भागीरथी बोला जाता है। सेंट्रल और लेसर हिमालयस को काटती हुई जाती है, छोटे छोटे गॉर्जेस बनाती है, नैरो गॉर्जेस। नैरो गॉर्जेस क्यों बना रही है, क्योंकि यहाँ पे भागीरथी में पानी बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, देवप्रयाग पे पहुँचती है, तो देवप्रयाग पे भागीरथी मिलती है अलकनंदा से, ठीक है ना, और उसके बाद वो बनती है गंगा। अलकनंदा का सोर्स कहाँ है, सत्तोपनाथ ग्लेशियर में, कहाँ वो बद्रीनाथ। अलकनंदा में कौन कौन है, धौली और विष्णुगंधा, जो कि मिलती है जोशीमठ विष्णु प्रयाग पे। और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है अलकनंदा की, पिंडर, जो ज्वाइन करती है कर्णप्रयाग पे। नहीं समझ में आ रहा होगा ना, कन्फ्यूजन लग रहा होगा ना, इस फिगर को देख लो, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अब फिर से शुरू करते हैं, अब फिर से हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका गंगोत्री ग्लेशियर में गौमुख के पास से भागीरथी निकली, ठीक है भाई। तो ये भागीरथी है, कहाँ से निकली, गंगोत्री ग्लेशियर से। अब आपको मेन जो निकलती हुई नदी नजर आ रही है अलकनंदा, वो कहाँ से निकल रही, बद्रीनाथ से। अब अलकनंदा शुरुआत कहाँ से हुई, अलकनंदा से, ठीक है ना, या फिर कह लीजिए भागीरथी से। अगर आप गंगा को देखोगे तो आप बोलोगे भागीरथी से शुरुआत हुई, बट ओवरऑल गंगा में पानी भागीरथी का भी जा रहा है, मंदाकिनी का भी जा रहा है, ओवरऑल आप देखोगे तो धौली गंगा का भी जा रहा है, मंदाकिनी का भी जा रहा है, पिंडार गंगा का जा रहा है, मंदाकिनी का भी जा रहा है। तो बद्रीनाथ अगर आप अपना तीर्थ स्थल देखेंगे तो बद्रीनाथ से निकलती अलकनंदा, ठीक है भाई। फिर बगल से एक नदी आ रही है धौली गंगा, तो ये धौली गंगा बद्रीनाथ से कहां मिलेगी, मैं थोड़ा मार्कर बदल लेता हूँ जी। तो ये जो धौली गंगा है वो बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा से कहाँ मिलेगी, विष्णुप्रयाग पे, ठीक है ना भाई। तो अलकनंदा में पानी बढ़ जाएगा धौली गंगा की वजह से, कहाँ पे, विष्णुप्रयाग पे। तो सबसे पहले कौन सा प्रयाग आया, विष्णुप्रयाग। मैं पांच प्रयाग समझा रहा हूँ आपको, जिसमें देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णुप्रयाग, पांच आते हैं। तो सबसे पहले विष्णुप्रयाग, धौली गंगा और अलकनंदा मिलके, फिर अलकनंदा थोड़ी बड़ी होकर आगे बढ़ी, आगे गई, नंदकिनी नाम की नदी इससे आके मिली। तो जब अलकनंदा से नंदकिनी नाम की नदी आके मिली तो क्या बोला, नंद प्रयाग बना, अलकनंदा और बड़ी हो गई। अलकनंदा फिर आगे बढ़ी तो पिंडार गंगा इसमें आके मिली, पिंडार गंगा जहाँ पे अलकनंदा से आके मिली उसको आपने बोला कर्ण प्रयाग, अलकनंदा में पानी और बढ़ गया। अलकनंदा पहुंची आगे, यहाँ पे मंदाकिनी नाम की नदी इसमें आके गिर रही है। ये मंदाकिनी कहाँ से आ रही है, केदारनाथ से। तो जब हम गंगोत्री जाते हैं वहां पे जो नदी होती है उसका ऑफिशियल नेम भागीरथी है, जब हम केदारनाथ जाते हैं वहां से जो नदी निकलती है उसका ऑफिशियल नेम मंदाकिनी है, जब हम बद्रीनाथ जाते हैं वहां से जो ऑफिशियल नदी निकलती है उसका नाम अलकनंदा है। रुद्रप्रयाग पे मंदाकिनी और अलकनंदा मिल रहे हैं। अब अलकनंदा में पानी अच्छा खासा हो चुका है और अब आगे देव प्रयाग पे अलकनंदा से मिलेगी भागीरथी और यहां से जो नदी का ऑफिशियल नाम होगा वो होगा गंगा। तो यही वो पांच प्रयाग है जिसको यहाँ पे आपको बताया गया है ओवरऑल पूरी भाषा में। तो कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन क्लियर हो गया आपको, ठीक है। पांच प्रयाग कहाँ बने, कौन कौन सी नदियों के मिलने की वजह से बने, आई होप आपको क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आगे बात कीजिए, गंगा आपका पहाड़ों से निकल के कहाँ घुसेगी, प्लेन्स में, तो हरिद्वार पे। कभी अगर आप देहरादून गए हो तो देहरादून तक तो पहाड़ है, देहरादून से कुछ घंटों के रास्ते पर हरिद्वार है। तो हरिद्वार में जब गंगा मारती है एंट्री तब वो प्लेन में पहुंच चुकी होती है, बट हरिद्वार में फिर भी उसका जो स्पीड होती है काफ़ी तेज़ होती है, रीज़न बीइंग कि वो पहाड़ों से जस्ट उतर रही होती है। तो हरिद्वार के घाट वगैरह पे जब नहाते हैं लोग थोड़ा संभल के नहाते हैं, कहीं बह ना जाए जब मानसून का सीज़न होता है। फिर आप देखोगे कि यहाँ से ये जो नदी है गंगा वो पहले साउथ गई, देन साउथ ईस्ट गई, देन ईस्ट गई। नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी समझाता हूँ। साउथ गई, साउथ ईस्ट गई और ईस्ट गई, और फिर बाद में वो स्प्लिट हो गई दो डिस्ट्रीब्यूटरीज में, भागीरथी एंड पद्मा। ये भागीरथी और पद्मा कहाँ, ये ईस्ट इंडिया पहुंच चुका है,
ये एकदम से आगे पहुंच गए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ठीक है। इलेवेंथ क्लास की परस्पेक्टिव से भी अगर आप पढ़ रहे हो, कोई इलेवेंथ क्लास का बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो, तो उसके लिए भी ये वीडियो उतनी ही रेलिवेंट है। तो एक बार कोई साउथ गई, फिर साउथ ईस्ट गई, इसको देखने के लिए आपको नक्शा देखना पड़ेगा। तो नक्शा आपको कहाँ दिख रहा है, तो इधर आ जाइए। तो यहाँ आपको हरिद्वार दिख रहा है। अब हरिद्वार तक गंगा आपका प्लेन्स में आ चुकी है। अब आपको गंगा यहाँ साउथ बहती नजर आ रही, ये जो डायरेक्शन है वो साउथ है। साउथ के बाद वो आपको साउथ ईस्ट बहती नजर आएगी, कुछ लंबे समय तक वो साउथ ईस्ट बहती नजर आएगी, और उसके बाद वो यहाँ से आपको ईस्ट बहती हुई नजर आएगी। ठीक है भाई, तो पहले गंगा भाई साउथ, साउथ के बाद वो भाई साउथ ईस्ट। अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो ये वेस्ट है। तो जब ऐसे बह रही तो साउथ की तरफ बह रही थी, जब ऐसे बही तो साउथ ईस्ट की तरफ बही, और जब ऐसे बही तो ईस्ट बही। यही लिखा है आपका एनसीईआरटी में। और फाइनली आप देखोगे तो वो दो नदियों में आपको बढ़ती हुई दिख रही है। कौन कौन सी दो नदियां बताई गई हैं आपको, मैं टेक्स्ट के साथ ही मैच करके बता देता हूँ। भागीरथी और पद्मा। तो कहाँ दिख रही है, एक पद्मा नदी यहाँ पे फरक्का बैरेज के पास बांग्लादेश के अंदर घुसती नजर आ रही है, और दूसरी ने भागीरथी नदी। इस भागीरथी नदी को आप हुगली नदी भी बोलते हो। तो इंडिया में जो नदी जाके गंगा का डेल्टा बनाती है ना, वो हुगली नदी है, जिसको आप भागीरथी नदी बोलते हो। तो ये गंगा दो भागों में बट गई है, एक हुगली जिसको आप भागीरथी बोलते हो, और दूसरी पद्मा जो कि एंट्री मार जाती है आपकी बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के अंदर एंट्री मारने के बाद इस पद्मा नाम की नदी का नाम क्या होता है आगे जाके, ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई हो। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, डेफिनेटली कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करें, ताकि मेरी वीडियोज़ की रीच बढ़ सके। उसके साथ साथ दोस्तों हो सके तो ज्वाइन बटन ज़रूर दबाइए, ज्वाइन बटन से काफ़ी हेल्प होती है, और सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी कोर्स में बेच नहीं रहा हूँ। तो डेफिनेटली आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं, नॉमिनल टोकन मनी ज्वाइन बटन दबा के। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, करना चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मैं करंट अफेयर्स की PDF अवेलेबल करवा देता हूँ। harshitdwivedi.com पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड होते हैं, तो वो भी आप जाके पढ़ सकते हैं। वापस आ जाते हैं नमामि गंगे प्रोग्राम। अब ये नमामि गंगे प्रोग्राम क्या है, तो ये इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है। एक्चुअली यूनियन गवर्नमेंट ने जून 2014 में एक फ्लैगशिप प्रोग्राम चलाया, जिसका काम था गंगा में पॉल्यूशन को रोकना और उसको कंजर्व करना, रिजुविनेट करना। मेन पिलर्स क्या थे, तो ये बोल बच्चन टाइप की बातें, सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, रिवर सर्फेस क्लीनिंग, बायोडाइवर्सिटी एफोरेस्टेशन, पब्लिक अवेयरनेस, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग और गंगा ग्राम। जो लोग मेरा डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस और डेली एडिटोरियल देखते हैं, उनके साथ तो मैंने इस स्कीम के बाद न जाने कितनी बार बात की होगी, लेकिन जो लोग 11th क्लास के पर्सपेक्टिव से मेरी पर्टिकुलर वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आपसे एग्जाम में नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में भी पूछा जा सकता है। अगर रिवर कंजर्वेशन आपके सिलेबस में है, गंगा रिवर की हेल्थ आपके सिलेबस में है, तो नमामि गंगे प्रोग्राम भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 11th क्लास के बच्चे भी इस प्रकार के जो पॉइंट्स है ना, इसको स्किप ना करें, दे आर वेरी मच रेलिवेंट। तो हमने भागीरथी और पद्मा नदी भी देख ली, अब हम बात करते हैं गंगा नदी की लेंथ की। देखिए, इंडिया की फिजियोग्राफी और इंडिया की रिवर्स की बात हो रही है, तो मैं दूसरी कंट्रीज़ में नहीं घुस रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, काम भर की चीज़ आपको पता चल रहा हूँ। वैसे तो आप रिवर्स की थीसिस में घुसोगे तो पढ़ते रह जाओगे, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। नेक्स्ट आप देखो तो गंगा नदी कितना कितना किलोमीटर कहाँ कहाँ बहती है, तो उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445, वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर। ये इतनी लेंथ है, इतनी लेंथ के लिए ये नदियाँ इन स्टेट्स में बहती हैं। गंगा बेसिन का टोटल इलाका 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स इंडिया में, बांग्लादेश में अलग। ठीक है, फिर अगर आप देखो तो गंगा रिवर सिस्टम इंडिया का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है, ये बात आपको पता है, और इसमें पेरेनियल नदियाँ और नॉन पेरेनियल नदियाँ दोनों पाई जाती हैं। मतलब अगर ये गंगा बह रही है तो पेरेनियल नदियाँ, मतलब कि वो नदियाँ जिसमें हमेशा पानी है, ज़्यादातर केसेस में जो ग्लेशियर से नदियाँ निकलती हैं उनमें हमेशा पानी होता है, वो भी इसमें मिलती हैं। और ऐसी नदियाँ जो कि ग्लेशियर से नहीं निकलती, किसी माउंटेन रेंज से निकल रही हैं, ठीक है, छोटी छोटी नदियाँ स्ट्रीम्स किसी लोकल सोर्स से निकल रही हैं, तो वो भी इसमें गिरती हैं। एक और बात, जो छोटे सोर्स से या जिनका कोई कांस्टेंट या कंटिन्यूस सोर्स नहीं है पानी का, वो नदियाँ कभी कभी सूख भी जाती हैं। तो इसलिए आप कहोगे नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल को आप एफएमआरएल भी बोलते हो, मतलब पानी है तो नदी है, पानी नहीं है तो खाली पड़ी सूखी पड़ी। तो पेरेनियल और नॉन पेरेनियल दोनों प्रकार की नदियां आपकी गंगा में गिरती हैं, और दोनों तरफ से गिरती हैं, नॉर्थ की तरफ से भी गिरती हैं, साउथ की तरफ से गिरती हैं। तो अगर ये गंगा का फ्लो है
तो ऐसे भी बहुत सारी नदियाँ आके गिर रही होंगी, ऐसे भी गिर रही होंगी, और जो नदियाँ आके गिर रही हैं उनके बहुत सारे अपने अपने पैटर्न होंगे, जैसे डेंड्रिटिक पैटर्न, गंगा का डेंड्रिटिक पैटर्न है, ड्रेनेज पैटर्न्स ऑफ रिवर्स, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया। फिर अगर आप देखो तो जैसे कि आप गंगा की बात की जाए तो गंगा की एक बहुत मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है सोन नदी। सोन नदी के बारे में बात की जाए तो चलो नक्शा देखते हैं। जैसे नदियों की बात की जाए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नक्शा देखेंगे। इस पर्टिकुलर नक्शे में देखिए ये गंगा बह रही है, इस गंगा में सोन नदी आके ऐसे गिर रही है। अब एक क्वेश्चन है आपसे, ये जो सोन नदी है ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो सोन नदी है ये ओरिजिनेट होती है आपकी अमरकंटक प्लेटू से, तो अमरकंटक प्लेटू से ओरिजिनेट होती है और आपका नॉर्थ बहती है ऐसे और जाके गंगा मिल जाती है। अमरकंटक प्लेटू के बारे में अभी आपको बताया था कि इसका रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है, इसी से आपकी नर्मदा और तापी से निकलती, इसी से सोन भी निकलती, इसी से कुछ और नदियाँ निकलती। तो एक उठा हुआ माउंटेन जिससे चारों डायरेक्शन नदी निकल रही है उसको रेडियल ड्रेनेज पैटर्न होते हैं, ये भी मैंने आपको पहले बताया। फिर अगर आप गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो आपको कौन कौन सी दिखेंगी, राम गंगा, गोमती, गग्गर, गंडक, कोसी, महानंदा, और ये फाइनली जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं सागर आइलैंड पे। ऑब्वियस ही बात है कि गंगा जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती है और ऑन द वे गंगा से बहुत सारी नदियां मिल रही हैं। एक क्लीन फिगर देखते हैं इसका, सबसे बेस्ट फिगर है ये, देखिए आपको गंगा बहती हुई नजर आ रही है, ये नीचे यमुना है और ऊपर आपकी गंगा बहती हुई नजर आ रही है, ये गंगा का रूट है। यहां पे यमुना आके मिल रही गंगा से, आगे गई गंगा, यहां पे गोमती आके मिली, थोड़ा और आगे गई तो गग्गर आके मिली, सोन मिली साउथ से, थोड़ा और आगे गई तो गंडक मिली, थोड़ा और आगे गई तो कोसी मिली, फिर यहाँ आगे फरक्का बहरा जाएगा, फरक्का बहरा से एक नदी पद्मा चली जाएगी अंदर बांग्लादेश के और एक हुगली इधर आ जाएगी। तो ऐसी बहुत सी नदियां आके गंगा में मिल रही हैं। साउथ बैंक जो ट्रिब्यूटरी यमुना है, यमुना की बहुत सी ट्रिब्यूटरीज हैं, हालांकि यमुना की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं मैंने पहले आपको दिखाई हैं। अच्छा, उस पर्टिकुलर फिगर में सारी नदियां नहीं दिखाई गई, कुछ नदियां हम यहां देखते हैं। यहां पे थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं चीज़ों को, थोड़ी सी और पहले भी मैंने यहां पे काफ़ी आप कह सकते हो ड्राइंग कर रखी। अब देखिए यहां पे गंगा नदी में कुछ और नदियां जो हमने पहले नहीं देखी, जैसे फॉर एग्जांपल गंगा नदी में एक नदी आके मिल रही है यहाँ पे राम गंगा नदी, ठीक है, एक राम गंगा नदी भी गंगा में आके मिल रही, फिर नीचे से काली नदी भी आके गंगा में आके मिल रही, ठीक है, फिर ऊपर से एक शारदा नदी आ रही है, ये शारदा नदी आगे जाके गग्गर बन जाएगी, ठीक है, ये शारदा नदी यहाँ पे एक नदी से मिलती है और दोनों मिलके गग्गर बना रही है, जो नदी है इसका नाम बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में। फिर ये जो राप्ती नदी है ये भी आपकी गग्गर नदी की ट्रिब्यूटरी है, और फाइनली गग्गर का पानी आपका पटना के पास आके गंगा से मिल जाता है, गॉट इट। साउथ से आपको यहाँ पे सोन नदी आती दिख रही है, ठीक है, सोन में एक रिहंद नदी जुड़ रही है, एक कोयल नदी जुड़ रही है, यहाँ पे टोन नदी आपको नीचे से आती दिख रही है, ओके, ये टोन नदी भी आके गंगा में गिरती है। गंगा और यमुना का संगम कहाँ है, तो इलाहाबाद के बहुत पास है। गोमती नदी कहाँ पे आके मिल रही है गंगा से, तो आप कह सकते हो वाराणसी के पास बहुत आके मिल रही है गोमती नदी। फिर जैसे आप पटना के आगे बढ़े, पटना से पहले गग्गर मिल गई गंगा से, जैसे पटना क्रॉस किया तो गंडक आके मिल गई गंगा से, फिर आप और आगे गए, जब जैसे जैसे आप और आगे जाते जाओगे कोसी आके मिलेगी, कोसी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं कोसी की, कोसी के बारे में अभी अलग से बात करेंगे, मैंने तीन ट्रिब्यूटरीज पहले आपको बता दी इंपॉर्टेंट इसकी। कोसी से थोड़ा और आगे जाओगे तो आपको महानंदा नदी दिखेगी। कोसी की अगर आप बात करो तो यहाँ पे मैंने आपको कोसी का पहले ही मैप दिखाया था, ये तो मैप शिफ्टिंग का दिखाया था, यहाँ पे आप देख सकते हो अरुण नदी है, इसमें सन कोसी नदी मिली, तामूर कोसी मिली और एक फाइनल कोसी नदी यहाँ से निकलती नजर आ रही है, ठीक है, ये कोसी नदी भी आपका गंगा में जाके मिलती है। कोसी नदी में अच्छे खासे सेडिमेंट्स आपके साथ, अच्छा खासा पानी होता है, और आगे और जाएंगे तो एक महानंदा नाम की नदी आपको मिल रही है यहाँ पे, महानंदा के बारे में बताएं तो महानंदा बहुत डाउन रीजन में पाई जाती है गंगा के, और महानंदा जहाँ पे मिलती है उसको थोड़ा और आगे जाएंगे तो फरक्का बैराज आ जाएगा, और वहाँ पे जो गंगा है वो दो भागों में बढ़ जाएगी, एक भाग उसका बांग्लादेश चला जाएगा और एक भाग कलकत्ता के साउथ से बहता हुआ आपका बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन कर जाएगा। तो ये हमने एक हल्का फुल्का आइडिया देखा। फिर भाई गंगा में अगर यमुना नदी को अगर ऐसा ट्रिब्यूटरी देखे तो वेस्टर्न मोस्ट और सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है आपकी गंगा की, इसका सोर्स क्या है तो यमुनोत्री ग्लेशियर से ऑन द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द बंदरपूच रेंज। तो इसका फिगर भी यहाँ पे आपको बहुत ही ब्यूटीफुली नजर आ जाएगा। ओवरऑल आप देखो
तो भागीरथी यहाँ से निकल रही थी और इसके वेस्ट में आप चले जाओगे तो यमुनोत्री बंदरपूंछ रेंज के वेस्टर्न एज से आपकी यहाँ पे यमुना निकलती नजर आ रही है। बहुत लंबे समय तक ये पैरेलली फ्लो करती रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे भागीरथी और लकनंदा मिली, इधर से आपको यमुना निकलती दिख रही है और ये यमुना भी आपकी गंगा के ऑलमोस्ट पैरेलल बह रही और सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है ये गंगा की, इलाहाबाद के पास आके ये आपकी गंगा से मिल जाती है। कहाँ पे? तो प्रयाग में। इसको कौन कौन ज्वाइन करता है? तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है विच ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेट्यू, वाइल हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब देखिए फिगर पे सारी नहीं दिख रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात की जाए, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन में कितनी दिख रही हैं फिगर में अगर एक बार को देखा जाए? तो देखिए चंबल यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, सिंध यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, बेतवा और बेतवा की एक ट्रिब्यूटरी है धसान और एक केन। तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आपकी यमुना की नजर आ रही है और चंबल की खुद की ट्रिब्यूटरी बनास, काली सिंधी, परबाती, गॉट इट। बेतवा की ट्रिब्यूटरी यहाँ पे धसान, बेतवा जाके पानी डाल रही यमुना में और बेतवा को पानी थोड़ा बहुत धसान से भी मिल रहा है। और जो यमुना की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हिंदन, रिंद, सेंगर, वरुणा ये ज़्यादा लंबी होती नहीं है, आप देख लो दोआब रीजन में ओरिजिनेट करती हैं, ठीक है। दोआब रीजन मतलब गंगा और यमुना के बीच का जो रीजन है वहाँ से ओरिजिनेट करेंगी तभी तो यमुना की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बनेगी। तो ओवरऑल ये इतनी मेजर नहीं है, हाँ बस इसका नाम याद रखिएगा कि यमुना की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हिंदन, रिंद, सेंगर, वरुणा। फिर मच ऑफ द वाटर फीड्स द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न यमुना एंड द आगरा कैनाल्स फॉर इरीगेशन पर्पजेस। यमुना नदी से वेस्टर्न यमुना कैनाल, ईस्टर्न यमुना कैनाल और आगरा कैनाल निकलती है और इस पानी को इरीगेशन पर्पजेस के लिए आसपास के इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है। चंबल नदी की अगर आप बात करो तो ये महो के पास निकलती है, हिंदा मालवा पैटी ऑफ मध्य प्रदेश। चंबल नदी के बारे में मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया, नॉर्थवर्ड फ्लो करती है, गॉर्ज बनाती है अपवर्ड्स ऑफ कोटा इन राजस्थान जहाँ पे गांधी सागर डैम कंस्ट्रक्ट किया गया। कोटा से आगे बढ़ेगी बूंदी, सवाई माधोपुर, ढोलपुर और फाइनली यमुना ज्वाइन करेगी। चंबल इज फेमस फॉर बैड लैंड टोपोग्राफी कास्ट चंबल रिवाइंस। चंबल रिवाइंस जो रिवाइंस के बारे में मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि गॉर्जेस बहुत चौड़े होते हैं और रिवाइंस कंपेरेटिवली बहुत पतले होते हैं। तो चंबल का अगर आप नक्शा देखोगे तो यहाँ पे आपका मालवा प्लेट्यू में महो से ओरिजिनेट हो रही है, बीच में गांधी सागर डैम पड़ता है और फिर इस रास्ते को पकड़ती हुई चंबल आगे जाके यमुना में गिर जाती है। फिर अगर आप गंडक नदी की बात करो, गंडक नदी जो कि आपकी कहाँ मिल रही है? गंगा में मिल रही है। इसकी दो ट्रिब्यूटरीज हैं, काली गंडक और त्रिशूल गंगा। अगर आप गंडक नदी की बात करेंगे तो क्या हमको यहीं कहीं दिख रही गंडक नदी? ये दिख रही है आपकी गंगा नदी और इसकी दो ट्रिब्यूटरीज हैं, काली गंगा और त्रिशूल गंगा, ठीक है, काली गंडक और त्रिशूल गंगा। ये निकलती कहाँ से? नेपाल हिमालय से निकलती, धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से और सेंट्रल पार्ट ऑफ नेपाल को ड्रेन करती हुई आती है। गंगा प्लेन में एंट्री मारती चंपारण डिस्ट्रिक्ट और बिहार में और गंगा में मिलती है जाके सोनपुर में पटना के पास। फिर अगर आप बात करो घग्गर की तो घग्गर ग्लेशियर्स ऑफ मापचा चुंगो से निकलती है। घग्गर अगर हम आपको मैप में दिखाऊं तो ये आपको नजर आ रही घग्गर। अब ये घग्गर बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही, इसमें राप्ती एक ट्रिब्यूटरी मिल रही है, पीछे इस घग्गर को शारदा कहा जा रहा है, तो काफ़ी लंबी नजर आ रही है आपको जो घग्गर नदी है। तो क्या बताया गया घग्गर के बारे में? आफ्टर कलेक्टिंग वाटर्स ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज, तीन ट्रिब्यूटरीज की बताई गई, तेला, सेती, बेरी, हो सके तो याद रख लिए। देखिए याद रखना पड़ेगा आपको क्योंकि एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी की फैक्ट्स याद रखेंगे तो बेटर रहेगा। इट कम्स आउट ऑफ द माउंटेन कटिंग अ डीप गॉर्ज या शीशा पानी, शीशा पानी में गहरा गॉर्ज कट करते हुए आती है। फिर एक नदी है शारदा नदी, शारदा नदी मैंने आपको ऊपर मैप में दिखाई, इसको काली या काली गंगा भी कहा जाता है। तो शारदा नदी आपका आगे जाके घग्गर नदी में मिल जाती है, ठीक है, और फिर आप देखोगे कि ओवरऑल फाइनली घग्गर जाके आपकी गंगा मिल जाएगी। तो घग्गर गंगा मिलने से पहले शारदा नदी से मिलती है और पानी काफ़ी बढ़ जाता है। इसमें तीला, सेती और बेरी घग्गर नदी की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर आप कोसी नदी की बात करो, कोसी एक एंटीसीडेंट रिवर है, मतलब हिमालयस के उठने से पहले कोसी नदी ओरिजिनेट हुई है, हिमालयस को काटती हुई आई है। नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट इन तिब्बत में इसका सोर्स है और इसकी मेन स्ट्रीम है आपकी अरुण। कोसी नदी का मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही फिगर दिखाया, सेंट्रल हिमालयस को क्रॉस करते हुए आती है। तो ये अरुण नदी आ रही है,
इसमें वेस्ट से सनकोसी जुड़ेगी, राइट से तामूर कोसी जुड़ेगी, इधर सनकोसी, इधर तामूर कोसी और इधर अरुण, और तीनों मिलकर बनाएंगी आपकी कौन सी नदी, सप्तकोसी नदी। ठीक है, और सप्तकोसी नदी आपकी एंट्री मारेगी इंडिया के अंदर, जिसको आप कोसी नदी बोलते हैं। और फाइनली अगर आप बात करो राम गंगा नदी की, तो राम गंगा नदी आपको नॉर्दर्न रीच में, मतलब अपर रीचेस में नजर आएगी। तो यहाँ आप देखिए हरिद्वार के पास से, ऋषिकेश के पास से ये जो राम गंगा नदी बहती हुई आ रही है, ये मिल रही है गंगा नदी में। ठीक है, तो राम गंगा नदी क्या है, इट इज कंपेरेटिवली स्मॉल रिवर राइजिंग इन द गढ़वाल हिल्स। गढ़वाल हिल्स उत्तराखंड में ये ओरिजिनेट हो रही है। इसका कोर्स पहले साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, शिवालिक को क्रॉस करने के बाद ये साउथ वेस्ट ऐसे बहने लगती है और फाइनली जाके आपकी गंगा में मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश में एंट्री मारती है नजीबाबाद के पास और गंगा से मिलती है कन्नौज के पास। फिर हम बात करते हैं दामोदर नदी की। दामोदर नदी की बात की जाए तो दामोदर नदी भाई इट ऑक्यूपाइज द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द छोका नागपुर पैटी, वेयर इट फ्लोस थ्रू अ रिफ्ट वैली एंड फाइनली ज्वाइंस द हुगली। तो भैया कहाँ दिख रही है आपको दामोदर, ये नीचे हुगली जाती हुई दिख रही है और इसमें एक नदी मयूराक्षी जुड़ रही है इधर से, और यहाँ से झारखंड का जो छोटा नागपुर प्लेकू, इसके ईस्टर्न फ्लैंक से आपका दामोदर नदी निकलती है और ये जान लीजिए फाइनली आपकी कहाँ पे मिलेगी, तो हुगली नदी मिल जाएगी, जो कि इंडिया की गंगा है। आप कह सकते हो गंगा की ही एक डिस्ट्रीब्यूटरी, मतलब टूट के जो दो भागों में बढ़ रही रिवर, वो है। दामोदर की बात की जाए तो पहले दामोदर को सौरव बंगाल कहा जाता था, बहुत सारे फ्लड्स आते थे दामोदर में, लेकिन फिर फाइनली दामोदर वैली कॉरपोरेशन आया, बहुत सारे डैम्स बने और अब दामोदर नदी को काफ़ी कंट्रोल कर लिया गया। फिर शारदा या सरयू नदी की बात करो तो शारदा और सरयू नदी कहाँ दिख रही है, तो ये ऊपर से आपको बहती थी, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ क्योंकि काफ़ी मैसी हो गया फिगर ऑलरेडी। तो अब अगर आप इसमें देखो तो आपको ये जो शारदा नदी है वो इधर नजर आएगी, ये बह रही है आपकी शारदा नदी, ओवरऑल ये बहती हुई आ रही है। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, तो भैया नेपाल हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है, मिलाम ग्लेशियर से, और इसको गोरी गंगा बोला जाता है नेपाल में। इसको इंडो नेपाल बॉर्डर के अलोंग काली रिवर या चौक भी कहा जाता है। आगे जाके गग्गर से मिलती है, जल्दी गग्गर से मिल जाती है। आप देखो ये शारदा नदी यहाँ आई और यहाँ पे आके आपकी ये गग्गर से मिल गई। ठीक है भाई, महानंदा। महानंदा एक और इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, जो कि दार्जिलिंग हिल्स में ओरिजिनेट करती है, मतलब गंगा के लोअर रीचेस में आपको दिखेगी। तो यहाँ देखिए आपका दार्जिलिंग हिमालय से निकल के महानंदा आके फरक्का बैरेज से थोड़ा ही पहले आपकी गंगा में नीचे आके जुड़ जा रही है। दिख रही है ना ईस्टर्न साइड पे जो मैं लाल रंग का मार्क बना रहा हूँ, ये है आपकी महानंदा। ठीक है, सोन नदी की बात करो तो सोन लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी बता दिया, अमरकंटक पैटू से निकलती है, बहुत सारे वाटरफॉल्स बनाती है, आरा पहुँचती है वेस्ट ऑफ पटना और फाइनली गंगा से जुड़ जाती है। तो ये हमने गंगा की ट्रिब्यूटरीज को यहाँ पर देखने की कोशिश की, एक बेसिक आइडिया दिया, तो प्रयाग और गंगा की ट्रिब्यूटरीज को हमने यहाँ पर समझाया। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। जो मैंने रिवर्स ऑफ इंडिया करके एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे मैंने इंदो ये गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की तीन वीडियोस बना रखी हैं, तो ओवरऑल उन वीडियोस को भी देख लो, आपको मदद मिल जाएगी काफ़ी। यहाँ पे अगली वीडियो में ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम भी जल्दी ख़त्म कर दूंगा, गंगा रिवर सिस्टम से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन सी लेफ्ट बैंक है, कौन सी राइट बैंक है याद रखिएगा, कौन कहाँ से निकल रही है ये याद रखिएगा, कुछ बेसिक इन्फो इनफ है, ज़्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं है, इतनी ही इन्फो आपके काम की, इतनी ही इन्फो मैंने आपको बताई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इस वीडियो को शेयर करिएगा। एक और बात देखिए, कभी कभी क्या होती है कि गंगा की कोई एक ट्रिब्यूटरी किसी वजह की वजह से फेमस हो जाती है, किसी पर्टिकुलर इशू की वजह से फेमस हो जाती है, कोई डैम बन गया उसके ऊपर, कोई रिजर्वायर बन रहा है, तो ओवरऑल जो नदियाँ न्यूज़ में उनके लोकेशन को थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रेस करो। आपको पता होना चाहिए कि जो नदियाँ न्यूज़ में उनकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो किस नदी की ट्रिब्यूटरी हैं, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखिए, कभी भी एमसीक्यू में आपके सामने फंस सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। गुड बाय।